के प्रेस क्लब के प्रांगण में वीरंगाना झलकारी बाई पूरी स्वाभिमान सेवा समिति के तत्वधान में संत सम्राट कबीर साहेब का 647वीं जयंती समारोह प्रेस क्लब में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर संत सतनाम साहब रहे और वरिष्ठ अतिथि के तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष छोटे लाल यादव, पूर्व विधायक जयशंकर पांडे रहे। कार्यक्रम का आयोजक कर्ता नागेश्वर नाथ कोरी ने आए हुए सभी अतिथियों को बुके देकर माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। वीरांगना झलकारी बाई कोरी स्वाभिमान सेवा समिति के तत्वाधान में हो रहा है। आज हम इस जयंती समारोह के माध्यम से देश और समाज के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि संत सम्राट कबीर साहब ने देश और समाज में आडंबर के लिए, ज्ञान विज्ञान के लिए, ज्ञान और विज्ञान के लिए जो अलग जगाया, आज से 650 वर्ष पहले उन्होंने कहा पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, है ना। माध्यम से हम यही देना चाहते हैं कि समाज के लोग शिक्षा और ज्ञान विज्ञान की चीज़ों को अपनाएं, आडंबर में ना फंसें, ढोंग से बचें और अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, भाईचारा अमन चैन कायम करें। यही यहाँ से आज हम लोग संदेशा देना चाहते हैं। सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर ही देश और समाज की तरक्की हो सकती है, जिसमें उन्होंने किसी धर्म समुदाय को ना तो लड़ाया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोज। कबीर साहब की एक एक वाणी ज्ञान विज्ञान से भरी हुई है, इसलिए हम चाहते हैं कि कबीर साहब के अनुयायी जो भी हैं उनके विचारों को सुने और देश समाज की तरक्की हो। नागेश्वर नाथ कोरी, हम वीरांगना झलकारी बाई सेवा समिति के हम प्रबंधक हैं। ज्ञान की तरफ ले गए, सत्य की तरफ ले गए। उन्होंने कहा कि पोथी, उन्होंने कहा मानो तेरा गुण बढ़ा, मांस न आवे काज, हाण न होते आवरण तो त्वचा न बाजत बाज। मनुष्य के गुण की ही महत्ता होती है, मनुष्य के गुण की ही पूजा होती है। इसलिए जिसके भी अंदर गुण है, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, उसका कोई उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने अपने उपदेश से समाज में जागरूकता अपने जीवन काल में देते रहे। ऐसे संत सम्राट कबीर साहब थे। मेरा नाम संत सतनाम सनातन। अवसर पर हम प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं और कबीर साहब के चरणों पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहना चाहेंगे कि कबीर साहब की जो लड़ाई उस समय चली थी, वो जो विचारों के माध्यम से, अपने कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से जिस आंदोलन का उन्होंने शुभारम्भ किया था, वो अपने आप में बड़ा ही यूनिक था और उस समय तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से उसकी ज़रूरत थी। ऐसा नहीं कि वो लड़ाई वहीं ख़त्म हो गई, वो लड़ाई आज भी है और उसके पहले भी हमारे तमाम संतों ने, जैसे संत रविदास जी रहे हैं, संत नानक देव जी रहे हैं, संत बाबा गोडसे जी रहे, गोडसे महाराज रहे हैं,